यूपी के गांव में पहली बार जल और पौधे को साथ लेकर सबसे बड़ा अभियान योगी सरकार ने चलाने का फैसला किया है। एक नल एक पेड़ अभियान 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में चलाए जाएंगे। इस अभियान की हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूं अंकिता। जुलाई के पहले सप्ताह में यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में रोपे जाएंगे 5 लाख से अधिक पौधे। दरअसल योगी सरकार पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से एक नल एक पेड़ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत 1 से 7 जुलाई तक लाखों की संख्या में पौधरोपण किया जाएगा। हर घर जल योजना के तहत यूपी सरकार ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने के साथ भविष्य को हरा भरा बनाने का तोहफा भी देगी। सरकार ग्रामीणों को एक पौधा उपहार स्वरूप देगी। इन पौधों को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नल कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले घर के बाहर ओवरहेड टैंक के प्रांगण में पंप हाउस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में रोपेंगे। प्रदेश के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के कनेक्शन के साथ ही हरियाली के इस अनूठे अभियान की शुरुआत सीएम योगी के निर्देश पर हो रही है। अभियान के दौरान नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के यूनिट अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों को सबसे अधिक नल कनेक्शन प्रदान करने वाला राज्य बनने के साथ ही हर रोज 40 से 42 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर जल समितियां और संस्थाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थाओं के सदस्य ग्रामीणों के बीच पर्यावरण आधारित कार्यक्रम आयोजन करने के साथ गांव में लोगों को जल बचाने और पर्यावरण को बढ़ावा देने की जानकारी देंगे। ये लोग जल संरक्षण के महत्व को भी बताएंगे। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों और उससे बचाव के उपाय तो बताएंगे ही, साथ में बारिश के पानी को बचाने के तरीकों से भी अवगत कराएंगे। इसके साथ गांव ब्लॉक पर बने ओवरहेड टैंकों के प्रांगण, पंचायत भवनों और वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।